हमने बाइक रैली निकाली है, बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स मिला है। ये बाइक रैली का उद्देश्य क्या है? जब भी सरकार आई है कर्नाटक में, फर्स्ट प्रॉब्लम क्रिएट हुआ जनवरी में, कोविड का बहुत बड़ा स्कैम हुआ। वो छुपाने के वास्ते हिजाब और हलाल का प्रॉब्लम लेकर लोगों में माइंड डाइवर्ट करने की बात कर दी होगी। उसको पूछने के वास्ते जो कल्याण गंगा कल्याण का जो स्कीम है पूरा फ्लॉप करके छोड़ दी उसको। ये तीसरा महीने में हुए सो है, और चौथा महीने में PSI का बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। पूरा मीडिया वाले, पूरा कर्नाटक में नहीं, पूरा भारत में उसका चर्चा हुआ है। उसके बाद 40% कमीशन जो सरकार में रहते हुए जो मिनिस्टर के ऊपर धब्बा लगा था उसको क्लीन चिट दिया गया है। इतनी बड़ा स्कैम हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। और बीदर में बीदर उत्सव जो किए हैं, खुशी की बात है, बीदर उत्सव करे हैं, मुबारकबाद देंगे हम भी। लेकिन जितना पैसा कलेक्शन हुआ और जितने लोगों को प्रॉब्लम हुआ है वो बीदर उत्सव में, इतनी हम पर वो मट्टी की पूरा मुंह में जाके लोगों को सांस लेने तक का तकलीफ हुआ है। उसमें पेपर में आए सो ग्राम पंचायत मेंबर सांस लेने की तकलीफ से उन्होंने मर गए, इंतकाल हो गया। आज तक कोई जाके उनसे मुलाकात नहीं की है। इसका जिम्मेदार कौन है? कोई जान की कोई कीमत नहीं है क्या? उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये हमारे MLC अरविंद अरली जी भी इसका मुद्दा उठाए, जाके उनको जाके मिले हैं। लेकिन जो सत्ताधारी है उन्हें जाके मिलना चाहिए, उनको कंपनसेशन देना चाहिए। और इन मुद्दों के ऊपर आज हम बाइक रैली की है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ में हम हर घर को ये मुद्दा पहुंचाने के लिए आज बाइक रैली की है। सर, अभी जो भ्रष्टाचार है अभी क्लियरेंस नहीं हुआ, जो 74 करोड़ का जो उन्होंने बजट का रोड वगैरह किए है, लगता है देखेंगे अभी उसका कितने दिन तक वो चलता है रोड। अभी तो कहीं मैसेज नहीं मिला है, जब भी मैसेज मिला, कंप्लेंट मिला तो उसके खिलाफ भी हम मोर्चा उठाएंगे सर। यस।